नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे जीके में टॉपिक है समसामयिक घटना 2018 मई और जून का भाग दो। पहले भी इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसी का ये दूसरा भाग है। चलिए देखते हैं इसमें समसामयिक घटना में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 11वां संस्करण का विजेता टीम बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। किसको हराकर? सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक थाईलैंड में 27 मई 2018 को खेले गए उबेर कप बैडमिंटन महिला का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान ने थाईलैंड को हराकर। अगला क्वेश्चन है, इसमें 13 से 20 मई 2018 के बीच संपन्न एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है भारत को हराकर। यह जो है वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप डोंगहेई सिटी दक्षिण कोरिया में हुआ था यह मैच। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का उद्घाटन 14 जून 2018 को रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को में अगर स्टेडियम पूछता है तो लुझनिकी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 के शुभंकर क्या है? जाबी वाका, एक भालू है। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2018 को आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संदीप बक्सी। अगला क्वेश्चन है, 29 मई 2018 को आरबीआई में किसको पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुधा बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, एचडी कुमार स्वामी को 23 मई 2018 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वे वर्तमान में किस पार्टी के विधायक हैं? आंसर हो जाएगा जनता दल एस के। अगला देखिए, राष्ट्रपति ने 25 मई 2018 को किसे मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा के राजशेखरन। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2018 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया? आंसर हो जाएगा महबूबा मुफ्ती, जम्मू एवं कश्मीर के हैं। अगला क्वेश्चन, हानी मुल्की ने 4 जून 2018 को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, वे किस देश से हैं? आंसर हो जाएगा जॉर्डन। अगला है, 28 मई 2018 को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा नासिर उल मुल्क, ये जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं को बनाया गया है। अगला है, 4 जून 2018 को राजकिशोर का नई दिल्ली में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्खनन के दौरान रथ के अवशेष प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा बागपत जिला सिनौली में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां ऊर्जा के लिए पूर्णतः सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ये असम है, गुवाहाटी असम रेलवे स्टेशन 21 मई 2018 को यहाँ पर शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, आरपीएम का पूर्ण रूप है? आंसर हो जाएगा इसका रीजनल पीरियडिकल मार्केट। अगला क्वेश्चन है, द मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसे प्रदान किया गया है? ओल्गा तोकारजुक पोलैंड के हैं, पोलिस भाषा के लिए, और इसका अनुवाद किए हैं जेनिफर क्राफ्ट अंग्रेजी में, और इस पुस्तक का नाम है फ्लाइट्स के लिए 22 मई 2018 को प्रदान किया गया, ब्रिटेन सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है द मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018। अगला है, चीन ने किस देश को पहली बार 10 जून 2018 को फ्रेंडशिप मेडल प्रदान करने की घोषणा की है? रूस को। अगला क्वेश्चन है, गीता कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिनय से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के थॉमस कप बैडमिंटन के विजेता देश हैं? चीन। अगला क्वेश्चन है, महेश कुमार जैन को नियुक्त किया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर।
अगला क्वेश्चन है, अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल हेतु हाल ही में शपथ ग्रहण की है? तो आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 जून को। अगला क्वेश्चन है, देश की किस राज्य सरकार द्वारा पुरुष सरकारी कर्मचारी को 15 दिनों का पितृत्व लाभ देने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, INS तरंगड़ी अभियान के तहत केप हार्न में तिरंगा फहराया गया, यह केप हार्न किस देश की भौगोलिक सीमा का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा चिली का। अगला क्वेश्चन है, मेकिनू हाल ही में काफी चर्चित रहा यह है, इसका आंसर हो जाएगा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, UN पर्यावरण ने भारत की किस संस्था के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाकर एक वैश्विक कीर्तिमान बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच वर्ष 2020 तक कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को तय करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है? इसका आंसर हो जाएगा 100 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पदार्पण टेस्ट क्रिकेट मैच के साथ पहली श्रृंखला भारत के विरुद्ध खेली है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन निस्तार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चक्रवात मेकुनु से भारतीय नागरिकों को बचाने का अभियान। अगला क्वेश्चन है, किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 21 लोगों की मृत्यु होने के संदर्भ में समाचार सुर्खियों में रहा? आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। अगला है, जापान का प्रतिष्ठित अवार्ड निक्केई एशिया किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2018 की पुरुष तथा महिला एकल स्पर्धा के विजेता टेनिस खिलाड़ी क्रमशः हैं। पुरुष में राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं, किसको हराए हैं? डोमिनिक थियम, ये ऑस्ट्रिया के हैं। इसके बाद महिला में है सिमोन हालेप, ये रोमानिया की हैं, स्लोएन स्टेफेंस को हराई हैं USA की। अगला है, eDNA का संबंध किस परीक्षण से है? आंसर हो जाएगा जल निकायों में जैव प्रजातियों की मौजूदगी से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जल साक्षरता अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, और जिस फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल जीके अर्जुन सर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर हो। धन्यवाद दोस्तों।